हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कविता सादवानी के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कविता सादवानी एक मॉडल है और अभिनेत्री है। तो बात कर ली जाए कविता की जन्मतिथि के बारे में। कविता का जन्म मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ। इनका जन्म 1990 में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। बात कर ली जाए कविता सादवानी की पढ़ाई के बारे में। इन्होंने AMT यूनिवर्सिटी MGM DAV कॉलेज फॉर विमेन चंडीगढ़ से पूरी की है। कविता एक सुशिक्षित व्यक्तित्व की धनी है। उन्होंने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 2015 से 16 तक AMD यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद वह 2016 से 19 के बीच चंडीगढ़ के MGM DAV कॉलेज फॉर विमेन से BCom ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने 2019 से 2021 के बीच उन्होंने AMT यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कविता सादवानी के करियर के बारे में। TV एक्टर श्वेता तिवारी के शो मैं हूँ अपराजिता में कविता सादवानी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। इस सीरियल में उन्होंने जली हुई लड़की के रोल को प्ले किया था और इस शो में उन्होंने निया सिंह के किरदार को निभाया। उन्होंने एक मॉडल के रूप में मनोरंजन उद्योग में कदम रखा और 2017 में AL इंडिया पत्रिका में एक मॉडल के रूप में चित्रित किया गया। जुलाई से अगस्त 2018 तक उन्होंने नई दिल्ली स्थित छात्रावास वेबसाइट योर स्पेस में मार्केटिंग इंटर्न के रूप में काम किया। जून 2020 में वह एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के रूप में योर स्पेस में फिर से शामिल हुई और वहाँ पर उन्होंने 3 महीने तक इंटर्नशिप की। बात कर लेते हैं कविता की म्यूजिक वीडियो के बारे में। कविता ने म्यूजिक वीडियो में भी अपना जलवा दिखा चुकी है। उन्होंने प्रीत सैनी के गाने जीत के भी 2018, आमिर खान और मोक्षिका के एक बार आके 2018, आमिर खान के कन्फेक्शन 2020 के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। इसके बाद नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक उन्होंने बेंगलुरु की टेक कंपनी एको में डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के तौर पर काम किया। जून 2021 में इन्होंने बेंगलुरु स्थित एक्सोमी इंडिया में सोशल मीडिया विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। सितंबर 2022 में उन्हें एक्सोमी इंडिया में वरिष्ठ विपणन विशेषज्ञ के रूप में पदोन्नत किया गया। उसी वर्ष उन्होंने एक्सोमी इंडिया में मार्केटिंग विभाग में अपने काम के लिए Q1 बेस्ट परफॉर्मेंस सुपर हीरो अवार्ड प्राप्त किया। 2022 में उन्होंने मैं हूँ अपराजिता TV सीरियल में निया सिंह की भूमिका निभाई। उन्होंने स्टार प्लस पर हिंदी TV शो बातें कुछ अनकही सी 2023 में मृणालकर मारकर की भूमिका निभाई। इसके बाद कविता सादवानी ने स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 2024 में रूही के किरदार में नजर आई।